तो उन्होंने बोला कि किसका कराना है। मैंने कहा मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का कराना है। ठीक है, वो 5 साल से ऊपर है। मैंने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स 5 साल से ऊपर, या मतलब बच्ची को तो मैं डेट करूंगा नहीं ना 2-3। लगभग 100 लोग हमारे आगे खड़े, मैं अंदर जा रहा हूँ और थोड़ा मैं वहाँ पे जाके बात करूँगा। सो मच डिसअपॉइंटेड। कभी कभार ऐसा लगता है कि लाइफ में ना एक टास्क खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, और अभी एक और टास्क शुरू हो गया। मारिया का काफ़ी टाइम पहले से आधार कार्ड बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम बनवाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सेकेंड टाइम बनवाया, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। नाउ वी आर ट्राइंग थर्ड टाइम। मतलब फोरनर्स को अगर आधार कार्ड बनवाना हो इतना प्रॉब्लम क्यों होता है मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी तो ऑलमोस्ट हमने गिव अप कर दिया है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग, क्योंकि काफ़ी बार वो बोलते हैं कि आधार कार्ड चाहिए होता है काफ़ी चीज़ों में। सो वी आर गोइंग अगेन टू ट्राई इट। एंड मारिया कह रही है कि, मैंने कहा ऐसी चल जैसी, अभी कह रही थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि आधार कार्ड पे ना उसमें देखा हुआ है लोगों की पिक्चरें कैसी टेढ़ी मेढ़ी आती है। सो शी इज स्केयर्ड कि उसकी पिक्चर ना आए, एंड यू नेवर नो कि वो नेक्स्ट टाइम वो चेंज करवा पाएगी नहीं करवा पाएगी। हर बार बेचारी तैयार व्यार होकर अच्छे से जाती है, बट कुछ पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है, कि ये भी नहीं कहीं चेक कर सके। और आई डोंट नो कि फोननेस का देखते ही लोग घबरा जाते हैं कि उनको पता ही नहीं कि कैसे हैंडल करना है इस चीज़ को। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं अपना मारिया का आधार कार्ड बनवाने, एंड आई होप कि इस टाइम हो जाए, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आगे जाके इसको लाइसेंस मिल सकता है और चीज़ों में भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि शी वांट ड्राइविंग लाइसेंस, बट जस्ट बिकॉज उसके पास वो कुछ यहाँ का प्रूफ नहीं है तो वो बन नहीं पा रहा। एंड मुझे ये भी नहीं पता कि अगर आपके पास आप फोनर हो, आपके पास आधार कार्ड है, तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो नहीं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो लेट्स सी, अभी तो मुझे पता नहीं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि शायद हेल्प हो जाए। तो मारिया हो गया फिर से स्टार्ट रेगुलर उसकी, मतलब जब भी मैं इस वे रोड पे आता हूँ मैं मारिया को गाड़ी दे देता हूँ, पहले वो अपनी सीट सेट करती है, पूरा आगे अच्छे से करती है ना, थोड़ा स्टेयरिंग नीचे करती है, देन उसके बाद ताकत लगती है थोड़ा उसको पुल करने में पावर ब्रेक को। नाउ वी आर ऑल रेडी टू गो, वेरी नाइस, हियर वी गो। मारिया ड्राइव करती है बॉल सिंग है, जो मैं करता हूँ तो उसे मेरा कहाँ खा जाती है। वेरी नाइस, वी आर गोइंग गुड। राइट से भी आ गए इसने, चलो ठीक है। अरे लड़की गाड़ी चला रही है भाई, प्लीज इधर हो जाओ यार, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, हाँ मजाक नहीं है भाई साहब। आप इधर घूम रहे हो इतनी जिंदगी, मतलब लाइटली मत लो, शीशा पूरा चमक रहा है। कल रात को लगता है थोड़ी थोड़ी बूंदा बांधी हुई थी, आज गाड़ी साफ करने वाला नहीं है तो गाड़ी का वेंट बजा हुआ है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट शी इज डूइंग गुड। I think she is not student anymore. She is doing good. She is pretty much confident about. I mean, it's only practicing now. But वो ये ना एक तो ब्राज़ील में क्या है, आई थिंक शी, आई लेट मी एक्सप्लेन यू लिटिल बिट, कि वहाँ पे स्टेयरिंग डिफरेंट साइड है, ठीक है, एंड शी उसके फादर के पास वो लिया है ऑटोमेटिक कार है, ये देसी कार है भाई, हाथ से कुछ कुछ करना पड़ता है, so it's little bit confused. और rules are different. And so this is the thing. That everyone use the indicator, that everyone respect the things. Here people, you have to be more aware. Right? Oh yeah. And you never know कहाँ से लोग आ जाए, तो वो मारिया भाई थी, वो problem होता है. And he also have cows, everything. So sometimes I also you get have to take scared, care like, of everyone. If cow gonna move, or I can go. So you know, this is only with time. I think I will be more. But she is good. You allow me to drive more, I could be like a professional, but he don't allow everything me. Everything come to my shoulder. We are going again, one more time. Chale. To apply a dark card. Hmm. How many times you did that? 1,000 times, I think. 3 times you did that, like 3 times. Equal to 1,000. I don't know why people, every time I go, they scare so much. Like, okay, monster is coming, okay, to the bank. Wow, foreign. Like, हाँ, जहाँ पे अप्लाई किया था आधार कार्ड सेंटर था, जो उनको समझ ही नहीं आता, आई थिंक दे उन्होंने कभी इतना फॉरनर्स को नहीं बनाया जितना इंडियंस को बनाया. First, they not even accepted, they just say no. के फॉरनर बना नहीं सकते. No. And then I say like I can make because I am 2 years living in India. If you are more than 6 months by the government, you can apply for bank card, a card. And I also have bank card.
But still they say, no, you can't. Tax, you can't. Tax and pay. Then I'm like, how I can't? By the government, you can search on internet. Everything is there. They say you can apply. But they scared this much because I think this area which we live, there's not so many foreigners. So I think the process bhi unko lagta hai ki different hoga, ye hoga, so they don't want to take that, you know, sir dard. And if you tell me I don't bring my documents, I bring everything. Everything, address, everything. And still they don't make it. Silencer pass, silencer pass. They say, okay, we're gonna make it. They make application, but then I think they never upload the application. Hota, matlab banta hai. Maine dekha to yaar, phone because banta then we search in website or application, the application were never like uploaded. Like how many times we have to go? I also have rights. Come on, guys. Chalo, hamare saath chalo. Hum mention karenge. So there is no light. We are stuck in here. Traffic everywhere, as always. Mujhe tak hi aaye, understand? Traffic hi matlab dekho, kahin se bhi gaadi aa ja rahi hai. Red light kaam kar nahi diya. And bhagwan bhrosse traffic chal raha hai. Ek uncle ji hero ban ke hai, matlab unhone sara traffic thoda halka karaya. He stopped there and he said no one goes. So what should I say? You have something to say? Because I don't have anything to say. She said she cannot do it because I am 18 plus. फोन पे पूछ के सब कुछ कंफर्म किया और अब ये कह रहे हैं कि हमें एज नहीं पता थी कि 18 से नीचे 18 साल की थोड़ी है वो. What should I say? मतलब यार मैं इतना इम्पोर्टेंट काम था छोड़ छाड़ के मतलब ना. Very bad timing, you know, like. Very, very bad timing. We call, we ask everything, they say yes, yes, and then when they see my face, they, we don't do it. They make very nice, you know, like. For running. For running. Bhago, bhago, bhago. And they make a place for seat, some decorations, bike track also, no? And very nice. Time bahut acha lagta. Today is another day. It's a new day. It's a new life. And here we are again, trying to make a Aadhaar card banane chal pade hai hum fir se. And yesterday we call this place. What is this place name? Aadhaar Center. Aadhaar Center. And they say any bank which is under the enrollment center, they can apply for Aadhaar card. So, अभी तो बोला है हमको कि हम जा सकते हैं, मतलब जो उनके मतलब उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है बैंक जो उनकी साइट पे आ जाते हैं वहां जाइए और जो आपके घर के नियर बाय होगा वो बता देंगे. सो नाउ वी आर गोइंग देयर बट मुझे पता नहीं है कि क्या होगा. यू गो फर्स्ट इनसाइड एंड यू आस्क फॉर मेक फॉर योरसेल्फ एंड देन इफ दे से यस देन यू कम विद द मेकर. माया को देख के ना फाउंडर्स को देख के डर जाते हैं यार क्या करना पड़ेगा ये पता नहीं है क्या हुआ इतना वियर्ड चीजें. I don't know what kind of joke is happening. God. Because we call Aadhaar card center and they say there is no such rule that bank cannot apply for Aadhaar card for people who is 18 plus. And then we go bank, they say they cannot do it. मतलब हुआ क्या मैं बैंक में गया जहाँ पे गया सेंटर में वहाँ पे बंदा बैठा होता है उससे मैंने बोला सर मुझे उसकी देना है आधार कार्ड की रिक्वेस्ट देनी है. एंड उन्होंने बोला कि अपॉइंटमेंट बुक करो. मैंने कहा ठीक है मैं अभी कर देता हूँ हाथों हाथ कर देता हूँ. तो उन्होंने बोला कि किसका कराना है. मैंने कहा मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का कराना है. ठीक है वो 5 साल से ऊपर है. मैंने कहा कि हाँ ऑफ कोर्स 5 साल से ऊपर या मतलब बच्ची को तो मैं डेट करूंगा नहीं ना 2-3 पर नॉनसेंस क्वेश्चन. उसके बाद बोला कि नहीं नहीं हम तो 5 साल से अंदर वाला ही बनवाते हैं. मैंने कहा ठीक है आप मुझे दिखा दो कहाँ लिखा हुआ है. उसके बाद उन्होंने मुझे पेपर दिखाया. फिर मैंने जो इनकी आधार कार्ड का सेंटर वहां पे मैंने कॉल किया डायरेक्ट. तो मैंने उनको बोला कि मेरा इन्होंने बनाने से मना कर दिया. तो उन्होंने कहा ऐसा हमें कोई रूल नहीं अपडेट आया कि आप बनाएंगे नहीं इनको बनवाना पड़ेगा. तो मैंने वहां पे फिर बोला कि आप अपना नाम बताइए. वो बंदा कह रहा मैं तो यहाँ पे सिर्फ बैठा हूँ कोई और काम करता है वो तो अभी बाहर गया हुआ. मैंने कहा वो बाहर कैसे जा सकता है अभी आपका ड्यूटी आवर है और आप किसी को बिठा के चला गया. मतलब ऐसे मतलब देख लो काम चल रहा है मतलब आप कैसे मतलब लोगों से कुछ बोल सकते हैं. तो उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन इनकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई. आप देखो उसका कब सोल्यूशन आएगा बट तब तक मैं पागल नहीं हो सकता कि मैं उधर बैठा हूँ. तो नाउ वी आर गोइंग अनदर प्लेस जो इनकी साइट पर रजिस्टर्ड है दूसरा बैंक
कि वहाँ पे वो कह रहे हैं वहाँ पे हो सकता है, तो नाउ वी आर गोइंग देयर। अभी ऑलरेडी हम दो बैंक ट्राई कर चुके हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हमें रिजल्ट मिला, सो नाउ वी आर गोइंग थर्ड प्लेस एंड वहाँ जाके आपको बताते कैसे। बट दिस इज नॉन सेंस, नो ओके They say one thing and then you call another thing and then like who is telling true, like what is happening, this we can't understand. And मतलब अभी thank God कि मैं तो Indian हूँ, मैं फिर भी बात communicate कर लेता हूँ proper. मगर अगर किसी foreigner को केला मारियो को बनाना हो, I don't think so she can make it. Oh, I have to go straight in that interlock. Interlock के हमें जाना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। लगभग 100 लोग हमारे आगे खड़े, मैं अंदर जा रहा हूँ और थोड़ा मैं वहाँ पे जाके बात करूँगा। हर जगह जहाँ भी मारिया का काम होता है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। अभी कह रहे इनके रूल्स चेंज हो गए, 1 अप्रैल के बाद बनाना शुरू करेंगे। 1 अप्रैल के बाद मतलब हमें अगर कोई काम करवाने में करवा ही नहीं सकते, वी हैव टू वेट टू मंथ ऑलमोस्ट। क्या नॉनसेंस है यार। और जो पहले हमने आधार कार्ड की रिक्वेस्ट डाली हुई है वो अभी भी अंडर प्रोसेस दिखा रही है, जो लगभग 7 महीने पहले डाली हुई, 7 महीने पहले रिक्वेस्ट डाली थी, अभी भी अंडर प्रोसेस दिखा रही है। और पहले उस रिक्वेस्ट को हमें रिजेक्ट करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे आना है। मतलब जो चीज़ और वो जो यहाँ पे सर है वो कह रहे हैं कि कभी कभार तो 2 साल तक अंडर प्रोसेस रहती है। मतलब आर यू जोकिंग, मतलब 2 साल तक एक पेपर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आई एम स्पीचलेस अभी तो कुछ भी बोल नहीं सकता। दिस गाय वाज वेरी नाइस, वेरी नाइस, बट द थिंग इज द डे इज नॉट इन हिज हैंड, इट्स गवर्नमेंट, सो वी हैव टू व्हाट ही वाज ट्राइंग टू हेल्प। बट वो कह रहे हैं कि आपकी रिक्वेस्ट पहले की डली हुई है जो कि 7 महीने पहले डली थी, और वो रिजेक्ट भी नहीं ना एक्सेप्ट हुई, एंड ही वाज आल्सो यू नो सेइंग के ना एक्सेप्ट हुई होती तो ठीक है, हम फिर तो एक्सेप्ट होगी, या तो रिजेक्ट कर दे, बीच में रखा हुआ है। नाउ वी हैव टू यू नो टेक स्क्रीन शॉट, वी हैव टू मेल टू दिस गवर्नमेंट साइड, एंड आपको पता है कि गवर्नमेंट के रिप्लाई तो फिर कभी आएगी। अब क्या बोले यार, नाउ वी आर गोइंग बैंक एक्चुअली टू हैव चेंज एड्रेस और पासबुक के लिए, क्योंकि हमारे पास पासबुक नहीं है, और फॉरनर्स के पास जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो उतना अच्छा होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू यू नो टेक पास। एंड इफ यू नो समवन हु कैन हेल्प अस, बताइए उसको। सो दैट्स इट।